एनडीए की जो बैठक हो रही थी, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एनडीए की बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए में तय हो चुका है। सर, एनडीए की जो घटक दल थी उनकी यह बैठक और एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जसवंत सिंह का नाम सामने आ चुका है। तीन नामों पर चर्चा लगातार थी। जसवंत सिंह का नाम सबसे आगे चल भी रहा था थोड़ी दिन पहले, इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया से पहले थोड़ी दिन पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे। जब मुलायम सिंह यादव से जसवंत सिंह की मुलाकात हुई थी, तब भी ये कयासों का बाजार गर्म हो गया था कि अपनी दावेदारी को पेश करने के लिए जसवंत सिंह ने आडवाणी, और ये उन्होंने खुद कहा है। अब इसी कवायद में हामिद अंसारी के सामने अब चुनौती पेश करने के लिए जसवंत सिंह को एनडीए घटक दलों ने मैदान में उतारने का फैसला लिया है। कमलेश हमारे साथ है। कमलेश, मुहर लग चुकी है जसवंत सिंह पर, अब क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं? देखिए, साथ रूप आडवाणी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सबसे पहले शरद जी का नाम आया था, जब लेकिन शरद जी ने खुद अपने को इसको रूट आउट किया था, सुषमा स्वराज ने शरद जी के नाम पर बात की थी। बाद में शरद जी ने कहा कि तरह का मेरा स्वभाव है, मेरा विचार है, वो मैं फिट नहीं बैठता, लिहाजा हमको इसमें नहीं गिना जाए। इसके बाद मात्र एक नाम आया मीटिंग में, जसवंत सिंह का नाम था, जिस पर एनडीए के सारे घटकों ने मुहर लगा दी। खुद एनडीए की मीटिंग में शरद यादव मौजूद थे, जिन पर कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो हामिद अंसारी के पाले में आ सकते हैं, वो भी उन्होंने खुद एंडोर्स किया। इसके साथ साथ शिवसेना, अकाली दल, तमाम जो घटक दल है, सभी लोग थे, सभी ने एक साथ एंडोर्स किया है जसवंत सिंह के नाम पर। अब जसवंत सिंह ने भी ठीक इंडोर्समेंट के बाद जो अस्थायी रूप से ऐलान आडवाणी ने किया जसवंत सिंह के नाम का, उसके बाद खुद जसवंत सिंह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो ऐसे गुजार हैं सभी एनडीए के घटक दलों का जिन्होंने उनको नामित किया है, वो आगे अब अपनी अगली रणनीति का खुलासा बाद में करेंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एनडीए ने तय की है कि वो यूपीए के जो कैंडिडेट हैं उनको वॉकओवर दे देंगे। आडवाणी ने बिल्कुल साफ कहा कि निश्चित अगर प्रधानमंत्री चाहते तो पहले भी बात कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बिल्कुल 5 मिनट पहले बात की उनसे और ऐलान करने मतलब उनको ये जानकारी दी। दूसरा होता लिहाजा इसलिए जसवंत सिंह को पार्टी में मैदान में उतारना पड़ा। कमलेश, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रैटेजी रणनीति तैयार ये करनी है कि हामिद अंसारी के सामने अगर चुनौती रखनी है तो वो मतदान की प्रक्रिया में वोट भी हासिल करने हैं, उसके लिए कैसे अब रणनीति तैयार होगी? देखिए, ये बात पूछी गई थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए एनडीए के अलावा ऐसे दल जो हामिद अंसारी के नाम पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, खासकर उनका विचार अब AIDMK बीजेडी और तृणमूल कांग्रेस की ओर था, अगर ये घटक दल उनसे वो बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये दलों का समर्थन जो है खासकर जसवंत सिंह को मिले, लिहाजा इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। फिलहाल ये नहीं कहा गया कि क्या रणनीति तय की गई, लेकिन पार्टी ने बिल्कुल मनमना लिया है, खासकर बीजेपी की ओर से भी इसलिए तय की गई कि टीएमसी से बात किया जाए, बीजेपी से बात किया जाए। वही है तो उपराष्ट्रपति पद के लिए अब एनडीए के ने जिस नाम को सामने रखा है वो नाम है जसवंत सिंह, दार्जिलिंग से जीते हैं। और खास बात यह भी है कि इस नाम को लेकर जो सर्वदलीय कह सकते हैं मीटिंग हुई, एनडीए के जो घटक दल है उनकी जो मीटिंग हुई, इस नाम पर फैसला किया गया। वॉक ओवर देने के पूरे मूड में नहीं थे, वॉक ओवर नहीं देना था हामिद अंसारी को लेकर। हालांकि जिस तरह से अब घटक दलों से राय मशवरा करने के बाद जिस नाम पर स्वीकृति हासिल की गई है वो नाम अब खुलकर सामने आ चुका है, जसवंत सिंह एनडीए की तरफ से ये उम्मीदवार होंगे। अब कवायद होगी कि आखिर अब उपराष्ट्रपति पद की जो अब ये लड़ाई है, इस लड़ाई में जीत कैसे हासिल की जाए, एनडीए की क्या स्ट्रैटेजी होती है, एनडीए किस रणनीति के तहत आगे अपने आप को पूरी तरीके से एक स्टैंड लेता हुआ दिखता है, ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। गौर फरमाने की बात यह हो जाएगी। दूसरी तरफ हामिद अंसारी के पक्ष में यूपी के साथ साथ कई अब छोटे बड़े दल भी खुलकर मैदान में उतरते दिखे हैं, वो उनके साथ समर्थन में आ चुके हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि हामिद अंसारी अभी वर्तमान में भी वो
उपराष्ट्रपति हैं और एक बार फिर से उनके टर्म को रिपीट करने की कवायद में यूपीए है।